से डिमांड आई है, जैसे कि मनरेगा में 200 दिन का रोजगार, इसके अलावा रेड ग्रीन और ऑरेंज जोन्स का जो हक है वो राज्यों को दिया जाए, और कांग्रेस शासित राज्य लगातार कह रहे हैं कि भाई हमको आर्थिक पैकेज दीजिए, तो कांग्रेस कह रही है कि कल की बैठक के बाद अगर ये सब हो जाए तब तो कोई फायदा है। देखिए सर, कांग्रेस शासित राज्य सारे राज्यों को जो है आर्थिक पैकेज मिलना है। शुरुआत में आर्थिक पैकेज घोषित भी किया गया, आर्थिक पैकेज भेजा भी गया, और सम्यक और संतुलित मांगों पर विचार किया जाएगा। हाँ, अच्छा, आप कह रहे हैं आर्थिक पैकेज मिल रहा है। मेरे साथ शिवसेना से अर्जुन खोतकर जी मौजूद हैं। अर्जुन खोतकर जी, क्या आर्थिक पैकेज महाराष्ट्र को मिल रहा है? क्योंकि प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि केंद्र की तरफ से राज्यों को जो मदद चाहिए वो समय समय पर दी जा रही है और आगे भी दी जाएगी। देखिए, ये मसला तो पूरे देश का है। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री जी उद्धव जी ठाकरे, हाँ, इन्होंने कल बताया पीएम साहब को कि हमारा जो महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा जीएसटी जाता है वो जीएसटी हमें मिलना चाहिए, जो उसका प्रतावा है वो हमें मिलना चाहिए। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा आय देने वाला केंद्र को राज्य है, ये संपन्न राज्य है, और ये राज्य हर बार देता आया है। मांगना तो कभी कभी पड़ता है हम लोगों को, हम कभी 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 कभार मांगते हैं। तो अभी ऐसी हालात है देश की और स्टेट की, तो ऐसे हालात के अंदर केंद्र ने पूरी ताकत से महाराष्ट्र के पीछे खड़े होना चाहिए, और वो खड़े हो भी रहे। अच्छा, माननीय उद्धव जी बार बार बता रहे हैं कि केंद्र और राज्य का समन्वय है और अब समन्वय से काम कर रहे हैं। फिर भी हमारे कुछ मांग है, हमारा जीएसटी जो है वो जीएसटी का पैसा देना, जल्दी से जल्द देना चाहिए। इसके मामले में हम लोगों को सहूलियत मुहैया कर सकेंगे। हमारे बहुत सारे सवाल है। हमारा किसान का ऋण हमने माफ किया है, और किसान का ऋण माफ करने के बाद पहली बार माननीय उद्धव जी ने बताया कि एक हफ्ता भरने के लिए सेंट्रल ने हमें मदद करना चाहिए। अभी खरीफ हंगाम सर पर है, किसान का हंगाम सर पर है, ऐसे हालात में किसान को मदद करने की जरूरत है, ठीक है, तो सेंट्रल में ऐसे हालात में हमारे पीछे खड़े होना चाहिए, ये हमारी मांग है। ठीक है, ठीक है सर, मैं ये जो मांगे हैं इन पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे साथ जेडीयू से राजीव रंजन जी भी हैं। राजीव रंजन जी, बिहार की हम कल भी बात कर रहे थे, और आप बिहार की तरफ से मांगे सामने आई हैं जिसमें कहा गया है नीतीश कुमार की तरफ से कि लॉकडाउन को और आगे बढ़ाया जाए, ट्रेनों को फिलहाल नहीं चलाया जाना चाहिए। तो क्या बिहार केंद्र सरकार की जो आज से पहल शुरू हो रही है 15 रूट्स पर ट्रेन चलाने की, क्या बिहार को लगता है कि इससे कोरोना का मामला और बिगड़ जाएगा? राजीव जी, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, सबसे पहले हम लॉकडाउन के बढ़ाए जाने के संबंध में जो बिहार जो सोच रहा है उसके संबंध में नीतीश कुमार जी ने जो बात कही है, मैं उस पर पहले आऊंगा। हाँ, देखिए, बिहार में देश के अलग अलग हिस्सों से लाखों लोग आ रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग आ चुके हैं, क्वारंटाइन शिविरों में रह रहे हैं, उनमें अनेक लोगों के पॉजिटिव होने की पुष्टि भी हुई है। लॉकडाउन अगर 17 को खत्म होगा तो बंदिशें जब खत्म हो जाएंगे और देश के अलग अलग हिस्सों से लोग बिहार आने लगेंगे या एक जिले से दूसरे जिलों में जाने लगेंगे, तो ये स्थिति भयावह हो सकती है, इससे कि बिहार के आंकड़े भी बढ़ने लगेंगे, और इसीलिए केंद्र सरकार को लॉकडाउन के संबंध में जो भी फैसला करना है बिहार साथ होगा, लेकिन हम लोगों की राय में लॉकडाउन की जो अवधि है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। पहली बात, ट्रेन को लेकर के स्पेशल ट्रेन से प्रवासियों को लाया जाए, ये तो नीतीश कुमार जी की मांग पर केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दी, लेकिन जिस तरह से ट्रेन में आएंगे, जिसमें बीच की कोई बोगी नहीं, जिसमें बीच के सीट्स नहीं हटाए जा रहे हैं, और जिस तरह से बगैर किसी तरह के स्क्रीनिंग, और मैं ये कहना चाहूंगा कि इसकी पुष्टि हो पाना मुश्किल है, जब ई पास किया की व्यवस्था है, वैसी स्थिति में केवल ट्रेन के टिकट को पास मान करके जो लोग आएंगे तो निश्चित तौर पर संक्रमण का ये दायरा और बढ़ सकता है, ठीक है, और ये एक व्यवस्थित प्रबंधन में कई तरह के अवरोध स्थापित करेगा, ये कुछ दिनों की बात है, और इस मुश्किल में देश में तमाम लोगों को एक दूसरे के साथ खड़े होना होगा। ठीक है, केवल जल्दबाजी के कुछ राजीव रंजन जी, हमारी कठिनाइयां बढ़ सकती है।